आज हम बात करने वाले हैं ईसीई और ट्रिपल ई के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अब अगर आप कॉलेज की ब्रांच सिलेक्शन कर रहे हो और आपकी रैंक बिल्कुल ठीक आई है, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे मेरा जो रिकमेंडेशन रहने वाला है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सब्जेक्ट्स होते हैं और कम्युनिकेशन के भी सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट होते हैं, जो कि उसको हार्ड से भी बहुत ज़्यादा हार्ड बना देता है। अब यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट डिफिकल्टी की बात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो स्टैंड आउट फीचर है वो ये है कि यहाँ पे टेक प्लेसमेंट्स अलाउड है। अब जैसे मैं ईसीई का एक स्टूडेंट हूँ और मेरी जो प्लेसमेंट हो रखी है एक टेक कंपनी में हो रखी है, जबकि इलेक्ट्रिकल के अंदर वो चांस आपको बहुत कम मिलता है।